सो गाइस, क्या हाल चाल है? आपको तो पता ही है कि मेरा आज छुट्टी है, तो इसलिए सुबह से दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शूट हुआ था रात को, और दोपहर को जो वीडियो अपलोड किया वो सुबह शूट किया था। तो मैं सोचा कि चलो दो वीडियो हो गया है, अब वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, आज के लिए बहुत हो गया। और दोपहर को खाने के बाद मैं सो गया था, और फिर से मैं जब न्यूज़ वगैरह चेक कर रहा था तो देखा एक और नया स्मार्टफोन आ रहा है जो कि रियलमी की तरफ से है। और मुझे लगा कि भाई आपको तो इन्फॉर्मेशन देना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग वेट करते हैं कि कुछ नया फ़ोन आएगा, कुछ अच्छा फीचर्स के साथ फ़ोन आएगा तो हम लोग परचेस करेंगे। और इसलिए मैं सोचा चलो और एक वीडियो बना ही लेता हूँ, तो इसलिए आज फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। और रियलमी का नया फ़ोन है, रियलमी C11 है भाई, क्या बात है। रियलमी C3 लॉन्च हुआ था, लास्ट सी सीरीज का फ़ोन जो था रियलमी C3, उसके बाद तो पता नहीं क्या ब्रेक फेल हो गया, पता नहीं रियलमी C4, C5, C6, C7 ऐसे करके जितना भी नंबर था उसको छोड़ के C11 पे जाके खड़ा हो गया। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज सुबह जो वीडियो अपलोड हुआ था वो टेक्नो स्पार्क पावर 2 के बारे में था। आप चाहे तो वो वीडियो बाद में चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा जो वीडियो दोपहर में अपलोड हुआ था वो रेडमी 9A के बारे में था। अगर आप ये दोनों वीडियो में से नहीं देखे होंगे दोनों वीडियो, तो बाद में आप चेकआउट कर लेना, अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा दोनों मोबाइल के बारे में। अब चलिए बात करते हैं रियलमी का नया फ़ोन के बारे में। तो रियलमी सी सीरीज का ये फ़ोन है, रियलमी C11 नाम रखा है। अब पता नहीं रियलमी का ये क्या हो गया, रियलमी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ के रियलमी C11 नाम रखा। अब छोड़ो बात, कुछ भी नाम रखो, हमें तो फीचर्स अच्छा मिलना चाहिए। अगर फीचर्स अच्छा रहेगा तो नाम कुछ भी हो, उसमें कुछ मतलब बड़ा बात नहीं है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे रियलमी का, 7,000 से लेके 15,000, 16,000, 17,000 के बीच में कोई भी ऐसा गैप नहीं है जहां पर रियलमी अपना स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, क्योंकि हर एक प्राइस रेंज में रियलमी ने ऑलरेडी फ़ोन को लॉन्च करके रखा है। तो पता नहीं अभी कौन सा प्राइस में ये फ़ोन को लॉन्च करेगा। मेरे हिसाब से ये मिड रेंज के अंदर लॉन्च होगा, क्योंकि रियलमी C3 जो है वो मीडियाटेक का हेलियो G70 के साथ आया है, काफ़ी अच्छा चिपसेट है। और वो फ़ोन का प्राइस जो है 7,499 अभी है, और नार्जो 10 ये जो है G70 के साथ वो 8,499 है। तो अभी जो है गैप तो नहीं मिल रहा है। अब अगर 9,000 के अंदर अगर इस फ़ोन को लॉन्च करेगा तो 9,000 या फिर 10,000 के आसपास जो है रियलमी 5 सीरीज है, 5, 5S, 5i, इतना सारा फ़ोन जो है 10,000 के आसपास जो है लॉन्च करके रखा है। अब पता नहीं इस फ़ोन को कितना प्राइस रेंज में लॉन्च करेगा। अगर इस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है, मतलब 10,000 के आसपास इस फ़ोन को लॉन्च करता है, तो रियलमी 5 सीरीज को स्किप करना पड़ेगा, मतलब उसको हटा देना पड़ेगा, तब जाके जो है ये फ़ोन मार्केट कर पाएगा। या फिर अगर ये फ़ोन लॉन्च करता है तो वो सारे फ़ोन को कोई परचेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो है रियलमी का ही नुकसान होने वाला है। तो मेरे हिसाब से कोई भी एक फ़ोन जो है मार्केट से स्किप होने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन जब लॉन्च होगा तो उस जगह पे जो फ़ोन है उसको स्किप कर देगा, हटा देगा मार्केट से। अब देखते हैं कौन सा प्राइस रेंज में इस फ़ोन को लॉन्च करेगा। अब ये फ़ोन का जो सर्टिफिकेट निकल कर आया है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉडल नंबर है RMX2185, और इस फ़ोन का नाम रखा है रियलमी C11, और ये फ़ोन जो है NBTC से सर्टिफिकेट मिला है अभी फ़िलहाल। और ये फ़ोन का ऑफिशियली फीचर्स तो कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक का हेलियो G70 के ज़्यादा मतलब बेहतर चिपसेट आपको मिलेगा। अब ये फ़ोन जो है तो रियलमी सी सीरीज का फ़ोन है, रियलमी C3 में आपको 70 मिला था, तो रियलमी C11 में आपको थोड़ा सा उससे बेटर चिपसेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको और भी बेहतर फीचर्स मिलेगा। अब इस फ़ोन का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ये कन्फर्म मैं आपको बता सकता हूँ, एंड्रॉयड 10 मिलेगा, साथ में आपको रियलमी का UI तो देखने को मिल ही जाएगा। और रियलमी जो है हमेशा रेडमी को फोकस करके फ़ोन लॉन्च करता है, और रेडमी अभी अपना 9 सीरीज भी लॉन्च करने वाला है, रेडमी 9, रेडमी 9A और रेडमी 9C, और मुझे लगता है ये तीनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को बीट करेगा रियलमी C11। अब देखने वाली बात है कि कौन सा फीचर्स के साथ आएगा। बाकी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि भाई पूरा डिटेल्स में नहीं पता है तो वीडियो क्यों बनाया, भाई मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और एक बात, जैसे कि आपको पता है कि मैं नया यूट्यूबर को थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, तो एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो मैं पर्सनल व्हाट्सअप नंबर से उसको मैसेज किया था, कुछ रिप्लाई भी नहीं आया। तो भाई छोड़ो उसके बाद, अगर आपको भी कोई यूट्यूब में हेल्प चाहिए, मतलब यूट्यूब चैनल में कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और यही था आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, बाजू में बेल का घंटा है उसको भी प्रेस कर देना,
ऐसे ही नया नया इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप चाहे वीडियो से जाने से पहले आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहे तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय।